हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक शेयर कैपिटल ये जो शेयर कैपिटल हमारा टॉपिक चल रहा है उस उसपे आज मेरा ये चौथा लेक्चर है लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट प्रिफ्रेंस शेयर इक्विटी शेयर एंड देयर डिफरेंसेस उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप देख सकते हैं इस लेक्चर में हम एक टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इशू ऑफ शेयर एंड इट्स प्रोसीजर जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं क्या प्रोसीजर है जो कंपनी फॉलो करती है वो इस लेक्चर में देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे जर्नल एंट्री जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है तो ये सब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ओके एंड दिस लेक् टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अगर आपको इशू ऑफ शेयर नहीं समझ में आया ना तो आप इस यूनिट के कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में समझ पाएंगे क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कंपनी क्या क्या स्टेप किन प्रोसेस के थ्रू शेयर इशू करती है ओके okay? और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ओके सो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर यानी क्या क्या स्टेप होते हैं जो कंपनी फॉलो करती है जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपना शेयर लाती है तो ठीक है तो शेयर इज वन ऑफ द शेयर एक तरीका है जिसके थ्रू तो कंपनी क्या कर सकती है मार्केट से फंड रेज कर सकती है कंपनी को सबसे पहले क्या चाहिए कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को सबसे पहले क्या चाहिए फंड चाहिए पैसा चाहिए कैपिटल चाहिए पूंजी चाहिए अब वो पैसा कहाँ से आएगा तो कंपनी मार्केट में अपने शेयर भी लॉन्च कर सकती है जिसमें वो कॉमन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो कॉमन पब्लिक से कह सकती है कि वो कंपनी के शेयर खरीदे ठीक है और कंपनी उनको शेयर देगी और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे ठीक है तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या क्या स्टेप कंपनी फॉलो करती है जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहला स्टेप क्या है पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए अंडर द कंपनी एक्ट बताइए कौन सा कंपनी एक्ट लगेगा अंडर द कंपनी एक्ट 2013 मैंने बताया था ना पहले चलता था 1956 कंपनी एक्ट 1956 लेकिन 2013 में देयर वाज एन अमेंडमेंट कुछ मॉडिफिकेशन हुआ अमेंडमेंट हुआ तो तब से 2013 के बाद से देयर इज कंपनी एक्ट 2013 तो हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सबसे पहले तो रजिस्टर होना होगा कंपनी एक्ट 2000 थर्टीन के अंदर में उसके बाद जब कंपनी को शेयर इशू करना है तो कंपनी शेयर इशू कैसे करेगी तो उसके लिए कंपनी लाती है आईपीओ 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 का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर इसमें क्या है कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट करती है कि कंपनी शेयर ला रही है जिसमें वो इतना कैपिटल रेस करेगी ठीक है और उसमें कंपनी की पूरी डिटेल होती है ठीक है वो एक प्रोस्पेक्टस होता है प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल होती है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है कंपनी का आगे का फ्यूचर प्लान क्या है पर शेयर की वैल्यू क्या है कितने शेयर मार्केट में लॉन्च कर रही है सारी डिटेल उसमें होती है दैट इज कॉल्ड आईपीओ ठीक है तो कंपनी क्या करती है फिर इशू करती है प्रोस्पेक्ट जिसमें सारी डिटेल होती है जिसमें वो इनवाइट करती है पब्लिक को टू परचेज इट शेयर कि वो कंपनी के शेयर क्या करे परचेज करे दिस इज इशू ऑफ शेयर फिर उसके बाद अगर नॉर्मल पब्लिक इंटरेस्टेड होती है कंपनी में शेयर खरीदने के लिए तो कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव होती है विद एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी के साथ ठीक है एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा भी देना होता है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंपनी के शेयर क्या हो रहे हैं सब्सक्राइब हो रहे हैं अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ना तीन तरीके का हो सकता है वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन अदर वन इज फुल सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कंपनी ने जितनी शेयर इशू किए हैं ठीक है थीके? उससे कम आ, उससे कह लीजिए कम अगर कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो ठीक है एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे सपोज करिए कंपनी ने वन लाख एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की ठीक है कि आइए मेरे शेयर खरीदिए लेकिन कंपनी को रिसीव हुई केवल तीस हजार एप्लीकेशन तो दिस विल बी कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब इशू तो एप्लीकेशन ज्यादा किया पर रिसीव कम हुई ठीक है अंडर फुल मतलब क्या होता है कंपनी ने वन लाख एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट किया और okay? over subscription. Over subscription मतलब अगर कंपनी बहुत ही रिनाउंड है बहुत नाम है कंपनी का हर कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो क्या होगा कंपनी के पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आएगी कंपनी ने सपोज करिए वन लाख शेयर की एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की और कंपनी के पास रिसीव हुई कितनी 1.5 या दो लाख एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो दिस विल बी कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ओके तो सब्सक्रिप्शन के तीन केसेस हो सकते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन फुल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन एंड दिस ओवर सब्सक्रिप्शन वैसे मेरा जो सब्सक्रिप्शन पे है एक अलग सेपरेट वीडियो बना हुआ है आप जरूर उसको देखिएगा और इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी क्या करती है कंपनी सबसे पहले तो चेक करती है एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गाइडलाइन होती है कि अगर कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो कम से कम इतने शेयर तो सब्सक्राइब होने ही चाहिए तो कंपनी चेक करती है कि क्या कंपनी के इतने शेयर सब्सक्राइब हुए कि नहीं हुए ठीक है अगर हुए हैं तभी वो आईपीओ सक्सेसफुल माना जाता है नहीं तो उस आईपीओ को कैंसिल कर दिया जाता है ओके नेक्स्ट uh, है ओवर सब्सक्रिप्शन केस में जब ज्यादा एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गई तो अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कंपनी क्या करेगी कुछ शेयर एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट कर सकती है एक लाख एप्लीकेशन कंपनी ने मार्केट में फ्लोट की और डेढ़ लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई तो कंपनी के पास एक ऑप्शन तो यह भी है ना कि फिफ्टी थाउजेंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे एक ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन क्या है प्रोराटा अलॉटमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है मेरा प्रो राटा पे जरूर देखिएगा उसको तो कंपनी दूसरा क्या कर सकती है प्रो राटा अलॉटमेंट प्रो राटा में क्या होता है कि एक प्रॉपर प्रपोर्शन में कंपनी शेयर अलॉट करती है अपने शेयर होल्डर को जैसे करिए कंपनी ने डिसाइड किया फाइव इज वन का रेशियो इसका मतलब क्या है जिसने पांच शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे एक शेयर मिलेगा जिसने दस शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे दो शेयर मिलेगा जिसने पंद्रह के लिए किया था उसे तीन शेयर मिलेगा तो इससे क्या हुआ कंपनी के जितने शेयर होल्डर हैं उनको सबको शेयर मिल भी गया पर थोड़ी सी कम क्वान्टिटी में दिस इज कॉल्ड प्रोराटा ओके तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास ये दो ऑप्शन होते हैं फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे कंपनी के शेयर बिक गए अब इसके बाद कंपनी शेयर अलॉट करेगी ठीक है तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी अलॉटमेंट ऑफ शेयर जिसमें कंपनी अलॉटमेंट मनी कॉल करती है ठीक है कि अलॉटमेंट का पैसा दे एक बात और खास है यहाँ पे कि कंपनी जितना भी फंड है वो एक बार में कॉल नहीं करती है जैसे एग्जाम्पल है दस रुपए का पर शेयर तक ठीक है एक शेयर की वैल्यू दस रुपए थी तो कंपनी पूरे दस रुपए एक बार में नहीं कॉल करती है कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है ध्यान रखिए कंपनी इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है थोड़ा पैसा कंपनी एप्लीकेशन की स्टेज पे मंगाती है फिर थोड़ा पैसा कंपनी अलॉटमेंट की स्टेज पे मंगाती है उसके बाद कंपनी कॉल कॉल कहते हैं उसे कॉल में मंगाती है जैसे फर्स्ट कॉल है सेकेंड कॉल है ठीक है जितनी भी कॉल कंपनी करनी चाहे ठीक है जितने भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी मंगाना चाहे वो मंगा सकती है तो बेसिक खैर ये जैसे मैं इस एग्जाम्पल में मैंने चार स्टेजेस ली हैं तो पहली स्टेज क्या होती है पहली स्टेज है एप्लीकेशन की ये होती है दूसरी अलॉटमेंट की स्टेज होती है नेक्स्ट क्या होती है फर्स्ट कॉल अगली क्या होती है सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो वही यहाँ पे है अलॉटमेंट की स्टेज है जिसमें कंपनी अलॉटमेंट का मनी कॉल करती है उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल करती है फर्स्ट कॉल में कहती है कि बचा हुआ हमें पैसा दीजिए फिर उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो आखिरी कॉल होगी ना उसको हम कहेंगे फाइनल कॉल तो कंपनी का दस रुपए का है तो कंपनी ये कह सकती है कि भाई हमें क्या करो दो रुपए एप्लीकेशन के टाइम में दे दो, दो रुपए अलॉटमेंट के टाइम में दे दो तीन रुपए की फर्स्ट कॉल दे दो तीन रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल दे दो तो इससे क्या है कंपनी का दस रुपए पूरा हो गया ठीक है तो दिस इज द वे ऑफ इशू ऑफ शेयर ये वो तरीका है जिस तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा और दिस डायग्राम दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जो फ्लो चार्ट है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इशू ऑफ शेयर का प्रोसीजर क्या होता है तो आप ये डायग्राम ये फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे ठीक है आप मतलब पैराग्राफ फॉर्म में तो लिखेंगे ही बट दिस डायग्राम अगर आप डायग्राम बना लेते हैं ना तो एग्जामिनर को बहुत ही कम शब्दों में समझ में आ जाता है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ओके एंड दिस डायग्राम इज नॉट अवेलेबल इन एनी बुक्स ये डायग्राम किसी बुक में अवेलेबल नहीं है तो जरा ध्यान से ये डायग्राम आप नोट करेंगे या इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ओके okay? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो मैंने अभी बताया था कि जो कंपनी है पूरा फंड एक बार में नहीं कॉल करती है इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है तो एक एग्जांपल देखते हैं सपोज करिए कंपनी को रिक्वायरमेंट है वन लाख के अमाउंट की रिक्वायरमेंट है ठीक है अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि दस रुपए वो पर शेयर रखेगी एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी दस रुपए ये कंपनी डिसाइड कर दिया ओके? अगर वन लाख फंड की रिक्वायरमेंट है दस रुपए पर शेयर है तो कंपनी को कितने शेयर मार्केट में फ्लोट करने होंगे एक लाख को दस से डिवाइड करिए तो कितना आएगा दस हजार आएगा यानी कंपनी इशू करेगी कितने शेयर दस हजार शेयर मार्केट में इशू करेगी फिर मैंने बताया था कि कुछ स्टेजेस होती हैं तो ये तीन स्टेज भी हो सकती है पांच स्टेज भी हो सकती है मैंने यहाँ पे चार स्टेज लिए है एप्लीकेशन की स्टेज होगी ही एप्लीकेशन की स्टेज पे सपोज करिए कंपनी दो रुपए मंगाएगी फिर अगली स्टेज है अलॉटमेंट की जिसपे कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो दो रुपए मंगाएगी फर्स्ट कॉल में कंपनी तीन रुपए मंगाएगी और इसके बाद फाइनल कॉल है उसमें भी कंपनी तीन रुपए मंगाएगी ये कंपनी ने डिसाइड किया है तो यानी एप्लीकेशन की स्टेज पे कंपनी को कितना रुपए रिसीव होगा बताइए एप्लीकेशन की स्टेज पे दस हजार शेयर थे दो रुपए पर शेयर यानी एप्लीकेशन की स्टेज पे बीस हजार रुपए आएगा अलॉटमेंट की स्टेज पे भी दो रुपए मंगाया रुपए आएगा फर्स्ट कॉल कितने की थी तीन रुपए की थी ना तो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री यानी तीस हजार रुपए आएगा एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी थर्टी थाउजेंड रिसीव होगा तो इस तरीके से कंपनी को पूरा वन लाख रुपीज रिसीव हो जाएगा जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी ठीक है तो इस तरीके से कंपनी मनी को कॉल करती है इस तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है राइट right? अब चलिए हम देखते हैं जर्नल एंट्री इसकी जर्नल एंट्री देख के डरिएगा नहीं बहुत सारी एंट्रीज हैं लेकिन इसका जो लॉजिक है ना वो बहुत आसान है इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इजी चलिए मैं बताती हूँ आपको मैंने इसमें चार स्टेजेस ली हैं मैंने बताया था ना तीन स्टेजेस भी हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी फर्स्ट कॉल में ही पूरा पैसा बचा हुआ पूरा पैसा मंगा ले आगे सेकेंड कॉल हो ही ना ठीक है या फिर तीन कॉल में मंगाए फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल एंड थर्ड कॉल ऐसा भी कर सकती है ठीक है तो ये डिपेंड करता है चलिए अब हम जर्नल एंट्री देखना शुरू करते हैं तो मैंने बताया था स्टेजेस होती है तो मैंने यहाँ पे चार स्टेज का एग्जाम्पल लिया है पहली स्टेज एप्लीकेशन की दूसरी अलॉटमेंट की तीसरी फर्स्ट कॉल चौथी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अब एक खास बात है कि हर स्टेज की क्या होती है दो एंट्रीज होती है हर स्टेज पे आपको दो एंट्री करनी होती है राइट ये देखिए एप्लीकेशन देखिये दो अलॉटमेंट दो फर्स्ट कॉल की दो सेकंड कॉल की नेक्स्ट okay? जो एप्लीकेशन की स्टेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है बाकी जो स्टेजेस होती होती वो सेम एप्लीकेशन की स्टेज में क्या होता है सबसे पहले मनी रिसीव होता है जब कंपनी ने एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की कहा शेयर होल्डर को कि अगर किसी को खरीदना है तो पैसा दो एप्लीकेशन सबमिट करो ठीक है तो क्या होगा एप्लीकेशन रिसीव होगी तो सबसे पहली एंट्री किस चीज की होती है एप्लीकेशन की स्टेज पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ठीक है तो एंट्री क्या होगी अब जो मनी रिसीव हो रहा है वो बैंक में रिसीव होगा ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है नरेशन क्या होगा फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जितने भी शेयर पे और पर शेयर की जो भी वैल्यू थी वो यहाँ मेंशन करेंगे फिर अगली जो एंट्री होती है दैट इज ट्रांसफर की एंट्री ट्रांसफर की एंट्री में क्या होता है जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो फंड होता है दैट इज ट्रांसफर टू टू शेयर 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 कैपिटल कैपिटल अकाउंट 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 तो तो एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन डेबिट राइट ये सिंपल सी दो जर्नल एंट्री होती है एप्लीकेशन के स्टेज पे पहले मनी रिसीव होता है और उसके बाद क्या होता है ट्रांसफर होता है नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट की स्टेज है अलॉटमेंट की स्टेज पे क्या होता है पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है ये खास बात है पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है उसके बाद फर्स्ट कॉल में भी ऐसा ही है पहले मनी ड्यू होता है उसके बाद क्या होता है रिसीव होता है सेकेंड कॉल में भी ऐसा ही है कि पहले मनी ड्यू होता है उसके बाद रिसीव होता है तो ये कॉमन है बस एप्लीकेशन की स्टेज अलग है बाकी सब में यही है पहले ड्यू देन रिसीव देन पहले ड्यू फिर रिसीव तो ड्यू की स्टेज की एंट्री क्या होती है इस स्टेज में जो अलॉटमेंट मनी है वो ड्यू हो रहा है तो एंट्री क्या होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन क्या होगा फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन जितने नंबर ऑफ शेयर है पर शेयर की जो भी वैल्यू है तो ये अमाउंट ड्यू होता है फिर इसके बाद शेयर होल्डर पैसा देगा ठीक है तो पैसा देगा तो एंट्री क्या होगी पैसा बैंक में आएगा ना तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट राइट जो हमने एप्लीकेशन की स्टेज पे की थी सेम है देखिए वहां पे शेयर एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट हो गया देखिए यहाँ पे यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन था यहाँ पे क्या हो गया शेयर अलॉटमेंट हो गया बाकी एंट्री सेम है सीक्वेंस बस इनका वेरी कर जाएगा अगला क्या है फर्स्ट कॉल की एंट्री है फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू की एंट्री देन रिसीव की एंट्री ड्यू की एंट्री क्या होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है अगली फिर रिसीव की एंट्री बैंक में रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ओके okay, ये देखिए लॉजिक सेम है सभी का लॉजिक सेम है एक ट्रांसफर की एंट्री एक रिसीव की एंट्री फिर ट्रांसफर की एंट्री रिसीव की एंट्री सेम वही एंट्रीज है अगली जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में है इसमें क्या होगा पहले ड्यू की एंट्री है तो ड्यू की एंट्री क्या होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ओके और जब पैसा आ जाएगा तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ओके okay? तो आपने देखा ये एक एंट्री किसकी होगी बैंक की जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक की एंट्री हो रही है और जब पैसा ड्यू हो रहा है तो क्या एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या अलॉटमेंट की स्टेज है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है तो देखा आपने लॉजिक सेम है बस एप्लीकेशन की स्टेज पे क्या होता है एप्लीकेशन की स्टेज पे पहले रिसीव है देन ट्रांसफर है बाकी हर स्टेज पे क्या है पहले ड्यू की एंट्री है फिर रिसीव की एंट्री है फर्स्ट अलॉटमेंट uh, पे फर्स्ट कॉल पे भी पहले ड्यू की एंट्री है देन रिसीव की एंट्री है उसके बाद सेकंड कॉल पे भी पहले ड्यू की एंट्री है फिर रिसीव की एंट्री है ठीक है तो लॉजिक इज वेरी सिंपल याद रखिए किसी भी क्वेश्चन में इस यूनिट के किसी भी क्वेश्चन में आपको ये ये बेसिक एंट्री करनी होगी और एक दो और एडजस्टमेंट की एंट्री होगी तो लगभग मतलब नौ दस एंट्रीज में आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा और इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इवन ट्वेल्थ का अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं तो शेयर कैपिटल इज वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट ये एक बहुत ही इजी यूनिट है तो आज मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया है आज आप केवल इसका रिवीजन करिएगा कि ये जर्नल एंट्री कैसे करते हैं नेक्स्ट टेन पे मैं इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगी इसका जो अगला वीडियो है वो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है तो उसको भी जरूर देखिएगा और आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू And have a good day. God bless you.